हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंसल्ट किया था मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन हमने देख लिया था। और उसके बाद में मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला जो आपने देखा था, उसके बाद में हमने साइन कन्वेंशन देखा था, कुछ कंडीशंस के बारे में देखा था कि कब एम की वैल्यू किस प्रकार से होगी तो हमें इमेज के कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा। ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन देख लिए थे। अब आपने जो अब तक टॉपिक्स पढ़े हैं, इन टॉपिक्स पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एग्जांपल फर्स्ट, देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड अ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर एंड इट इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में होती है। देन वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, f इक्वल्स टू r अपॉन 2। देन द फोकल लेंथ इज -25 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन, मींस द फोकल लेंथ इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर से कौन सी साइड में है? ये लेफ्ट साइड में है फोकल लेंथ। ठीक है, अब एग्जांपल सेकंड अगर हम देखते हैं, देखिए एग्जांपल सेकंड हमें बोल रखा है एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है और इस कॉनकेव मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट को आपने एक 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर की कॉनकेव मिरर के सामने रख रखा है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इस मिरर से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। एंड नेचर एंड मैग्निफिकेशन। देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड, हमें क्या बोलता है। एग्जांपल सेकंड में हमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे। An object is placed 10 centimeters in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. एक object जो है वो 15 centimeters, radius of curvature के concave mirror के सामने 10 centimeters की distance पर रख रखा है। तो जो object की distance है u, वो हमेशा ही minus में होती है और ये हमारे पास में 10 centimeters। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर की वैल्यू ये हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। सो यहां से एफ की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, आर अपॉन 2, देन -15/2। ठीक है, और नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मींस वी, नेचर एंड मैग्निफिकेशन के लिए हमें स्मॉल एम कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए यहां से वी की वैल्यू अगर हम देखें तो यूज आप कीजिए मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल होता है हमारे पास में 1/v प्लस 1/u। देन 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। देन 1/v इज इक्वल्स टू 1/ और f, वैल्यू ऑफ f इज 15/2 माइनस 15 और अपॉन वाला 2 आ गया यहाँ पे माइनस 1/u। U की वैल्यू है माइनस माइनस प्लस में हो गया 10। तो यहां से हमारे पास में होगा, यहां से देखिए 1/v इक्वल्स टू एंड एलसीएम इज 30, देन माइनस 4 प्लस 3 मींस माइनस 1/30। देन द वैल्यू ऑफ v इज 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। Negative sign shows the direction. That's why we can say that the image forms towards the left side of the mirror. Mirror से कौन सा side में image form हो रही है? Left side में image form हो रही है। और आपने ध्यान होगा image formation जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि left side में form होने वाली जो सारी images हैं, वो inverted and real होती हैं। ठीक है ना? Means ये image भी inverted और real होगी। अब देखिए कितने distance पे image form हो रही है। पहले तो आप देखिए object की distance कितनी है, 10, और जो f है वो कितना है, 7.5 हो गया। ये कितना हो गया, माइनस में 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये p, ये f की वैल्यू है 7.5 और ये r की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर पे और ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे। मींस ऑब्जेक्ट जो है वो c और f के बीच में है
बिटवीन व्हेन देन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो उस कंडीशन में इमेज इन्वर्टेड रियल एंड एनलार्ज इमेज क्रिएट होती है। ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज क्रिएट होनी चाहिए, यहाँ से हम फाइंड करके देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ यहाँ से जो आपको दी गई जो डेटा है उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझने के लिए बताया था। अब हम देखते हैं मैग्निफिकेशन एम, तो बिकॉज एम इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, देन माइनस एंड वैल्यू ऑफ यू वी इज माइनस 30 अपॉन वैल्यू ऑफ यू इज माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, देन एम इक्वल्स टू माइनस 3। एम की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव साइन शोज द नेचर ऑफ द इमेज, दैट्स व्हाई द नेचर ऑफ द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, क्योंकि एम की वैल्यू जब माइनस में होती है तो इमेज हम कैसे लेते हैं, इन्वर्टेड और रियल लेते हैं, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। दस इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड रियल एंड अब 3 है, न्यूमेरिक वैल्यू 3 ग्रेटर देन 1 है, एनलार्ज इमेज हो गई, कितनी बड़ी इमेज होगी, 3 टाइम्स, एम टू वैल्यू 3 मीन्स 3 टाइम्स बड़ी इमेज है, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी है, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज जो है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 6 सेंटीमीटर की, इन्वर्टेड और रियल इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल थर्ड इज एक कोई कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर के सामने जो इमेज है वो 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 98 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। देखो हमें जो बोला गया उसके बारे में अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड नहीं थर्ड सॉरी एग्जाम्पल थर्ड, हमने बोला है इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फॉर्म्स 100 सेंटीमीटर अवे, 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कॉनकेव मिरर के सामने क्रिएट हो रही है। पहली बात कॉनकेव मिरर के, ये कॉनकेव मिरर इसके सामने लेफ्ट साइड में इमेज क्रिएट हो रही है, लेफ्ट साइड में जो इमेज क्रिएट होगी उसके लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज वी इसमें आएगा, माइनस में आएगा, पहली बात तो ये इसके सामने क्रिएट हो रही है, दैट मींस वी की वैल्यू हमारे पास में आ गई माइनस में, और कितने सेंटीमीटर पर डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्रिएट हो रही है, ठीक है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 98 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ एफ इज 98 सेंटीमीटर, और ये माइनस में है। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू हमें फाइंड करना है, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू हमारे पास में होगा 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, देन 1 अपॉन यू इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, देन 1 अपॉन यू इक्वल 1 अपॉन एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज माइनस 98 माइनस माइनस 1 अपॉन वी, वैल्यू ऑफ वी इज माइनस 100। तो यहां से अगर हम देखें वैल्यू ऑफ यू इज हमारे पास में देखिए कितना होगा, 1 अपॉन यू इक्वल 9800 एलसीएम हो गया हमारे पास में, माइनस 100 प्लस 2, एंड 1 अपॉन यू इज प्लस 98 सॉरी, एंड माइनस 2 अपॉन 9800, then 1 upon u equals to minus 1 upon 4900, then u equals to minus 4900 centimeters, left side में image रखते हैं, object रखते हैं, और ये left side में मिल भी रहा है हमें, minus में मिल रही है distance, and u equals to minus में meters में convert करो 49 meters। तो यहां से अगर हम देखते हैं आगे, देखें देखिए तीन एग्जांपल्स, थ्री एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिए इसमें। अब एग्जांपल फोर्थ हम सॉल्व करेंगे, देखना एग्जांपल फोर,
अब देखिए फोर्थ एग्जांपल क्या बोलता है हमें, एक पार्क है और उस पार्क में हमने एक कॉनकेव मिरर लगा रखा है और उस कॉनकेव मिरर की जो फोकस है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो 4 सेंटीमीटर 4 मीटर है। देयर इज अ कॉनकेव मिरर इन अ पार्क एंटरटेनमेंट पार्क, देयर इज अ कॉनकेव मिरर इन द एंटरटेनमेंट पार्क ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर फॉर अ कॉनकेव मिरर इज 4 मीटर एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर बिकॉज एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, that's why f is negative of 2 meters and a girl is stand in front of this mirror and it's it seems 2.5 times from its real length, ठीक है ना, ये अपनी real length से 2.5 times दिखाई दे रही है आपको, 2.5 times आपको दिखाई दे रही है and the image is image of the girl is erect, erect image create हो रही है। पहली बात तो आप देखिए इरेक्ट इमेज क्रिएट हो रही है तो एम की वैल्यू प्लस में आएगी इरेक्ट इमेज के लिए, और कितना टाइम से एज्यूम दिखाई दे रही है हमें 2.5 टाइम्स दिखाई दे रही है, मींस एम की वैल्यू 2.5 इरेक्ट इमेज के लिए प्लस में आ गई। नाउ वी हैव फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द मिरर, मतलब उस लड़की की इस मिरर से जो डिस्टेंस है यू हमें फाइंड करनी है। एम दे रखा है, एम वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो बिकॉज एम इक्वल्स टू हमारे पास में होता है माइनस में वी अपॉन यू, लेकिन ये तो है ही नहीं हमारे पास में, हमें तो f की वैल्यू दे रखी है और u फाइंड करना है, तो m की वैल्यू जो है वो आपको f और u के टर्म्स में चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए मिरर फॉर्मूला यूज करें हम लोग, देन अगेन 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो यहां से v से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपने u से मल्टीप्लाई कीजिए सॉरी इसको, तो u अपॉन f इक्वल्स टू u अपॉन v प्लस वन, देन यू अपॉन वी इक्वल्स टू यू अपॉन एफ माइनस वन, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा u माइनस एफ अपॉन एफ, देन वी अपॉन यू की वैल्यू अगर हम देखें एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो यहां से अगर हम आगे देखें तो बिकॉज m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू माइनस एंड वी अपॉन यू की वैल्यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, देन एम इक्वल्स टू माइनस कौन सा मल्टीप्लाई कीजिए देन एफ अपॉन एफ माइनस यू, और वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यू ऑफ एम इज 2.5 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एफ इज माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 5 माइनस 2.5 यू इक्वल माइनस 2, तो ये 2.5 जो यू है ये साइड में आगे प्लस में हो गया और यहाँ माइनस 5 और प्लस में 2, देन माइनस 3 और अपॉन में लग जाएगा 2.5 इक्वल्स टू हो गया यू 30 अपॉन 25 मीन्स 6 अपॉन 5, देन वैल्यू ऑफ यू इज माइनस 1.2 मीटर, देन वी कैन से दैट the girl stands 1.2 meters in front of the concave mirror, जो लड़की है वो इस मिरर से 1.2 meters के डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए फिफ्थ एग्जांपल देखिए, एक कोई हमें कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ है f, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज f एंड एग्जांपल फिफ्थ है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल फाइव, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर सॉरी इज एफ, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो किसमें होती है प्लस में होती है, तो ये प्लस में एफ है एंड द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे रख रखा है एफ डिस्टेंस पे रख रखा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यू वो किससे कितने डिस्टेंस है एफ डिस्टेंस पे रख रखा है, अब यू तो हमेशा माइनस में होती है और फोकल लेंथ एफ दे रखी है वो प्लस में आएगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वी आपको फाइंड करना है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज है वो राइट साइड में क्रिएट होती है, दैट मींस कि वी की वैल्यू प्लस में आएगी, पहली बात। दूसरी बात हमें ये मिल रही है कि जो यू है वो हमेशा माइनस में होता ही है, माइनस में है और कितने डिस्टेंस पे है ये
फोकल लेंथ कितनी डिस्टेंस है, मींस फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो हम देखते हैं क्या होगा, किस कंडीशन होगी, फोकस के जितने डिस्टेंस है, सॉरी फोकस पे तो नहीं होगा ये, फोकस के जितने डिस्टेंस है। मिरर फॉर्मूला यूज करें, 1 अपॉन f इक्वल होता है हमारे पास 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो यहां से 1 अपॉन v इक्वल आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन f और माइनस 1 अपॉन u, देन 1 अपॉन v इक्वल है 1 अपॉन और फोकल लेंथ f ही है प्लस में ये माइनस 1 अपॉन और u की वैल्यू है माइनस f, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये f, इट मींस इट इज 2 अपॉन f, देन v इक्वल्स टू f अपॉन 2, फोकल लेंथ से हाफ डिस्टेंस पे क्रिएट हो इमेज मिलेगी आपको, फोकल लेंथ से हाफ डिस्टेंस मतलब बिटवीन पी एंड एफ, द इमेज इज सिचुएटेड बिटवीन इमेज फॉर्म्स बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज क्रिएट होगी, ये इमेज इरेक्ट है वर्चुअल है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड इमेज है, वी की वैल्यू प्लस में आ रही है दैट मींस कि राइट साइड में क्रिएट हो रही है इमेज, ठीक है। एक बात और देखिए आप, यहां से आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी, ऑब्जेक्ट कहां है अभी, इनफाइनाइट और पी के बीच में। एक लास्ट एग्जांपल और बचता है अभी तक के टॉपिक्स पे बेस्ड, उसके बाद में हम आगे वाले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, देखना। देखिए देखना, हमें बोला गया है कि एक कोई कॉनकेव मिरर है और इसके सामने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक आपने पिन रख रखी है, पर इसकी जो इमेज है वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्रिएट होती है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। एक पिन दे रखी है आपने, पिन एक ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल 6 देखिए, पिन जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया और उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में कितनी है 20 सेंटीमीटर है इस मिरर से, जो कि माइनस में होती है, और इमेज जो है वी की, इमेज की डिस्टेंस वी वो 40 सेंटीमीटर है, और ये जो इमेज है ये इस मिरर के सामने ही क्रिएट हो रही है, मींस ये भी लेफ्ट साइड में होगी माइनस में, कौन क्या मिरर है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो देखिए यहां से फोकल लेंथ अगर हम देखें तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, दैट्स व्हाई 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन एंड वैल्यू ऑफ v इज माइनस 40 and 1 upon and value of u is minus 20, then 1 upon f is equals to LCM is 40 minus 1 minus 2 means minus 3 upon 40 means f equals to minus 40 upon 3 minus 13.33 centimeters, then the focal length is negative, और हमने कहा भी था कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव ही होती है, माइनस में ही होती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये था एग्जांपल 6। अब हमें इसके बाद वाले हम कुछ टॉपिक्स की और चर्चा करेंगे। हमने अभी तक देखिए जो टॉपिक्स थे उनके बारे में देख लिया है, अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनपे हम इसके बाद में हमें देखना है, कंसल्ट करना है रिफ्लेक्शन के बारे में, इसके बाद में हम लोग कंसल्ट करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। एक बेसिक सा डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में, और वो ये है कि जो रिफ्लेक्शन है उसमें मीडियम चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज हो जाएगा जबकि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, ठीक है, पहली बात। अब मीडियम चेंज होता है दैट मींस कि आप ये बोल सकते हो कि जो सरफेस आपने लिया था वो सरफेस कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, रिफ्लेक्शन में जो ऑपेक सरफेस था वो यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है, इसमें मीडियम चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें मीडियम चेंज होगा क्योंकि सरफेस ट्रांसपेरेंट है। अब मीडियम चेंज हो जाता है तो स्पीड जो लाइट की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं हुई थी। ये छोटे से डिफरेंस है कि पहली बात तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज हो जाएगा, जबकि रिफ्लेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, इसमें रिफ्लेक्शन में जो सरफेस था वो कैसा था, ओपेक था, और इसमें जो सरफेस है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट। धन्यवाद।